एक तरफ अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भगवान राम पर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। इस बार समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी की है। निषाद ने भगवान राम के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया और भगवान राम को फिल्म के पात्र जैसा काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान भी मान चुका है कि प्रभु राम जैसा कोई नायक भारत में पैदा नहीं हुआ। तो वो थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा, राम राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के एक पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है, संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे, भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। बीजेपी ने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने इसे चौधरी लोटन राम निषाद का निजी बयान करार दिया। ऐसे लोग मानसिक दिवालियापन का कहा जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जो टिप्पणी ऐसा व्यक्त कर रहा है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि उस किस टाइप का इंसान होगा। उससे उसके पार्टी की सोच का भी पता चलता है कि उस दल में कैसे लोग हैं और लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनके दल के लोग ऐसे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के भगवान राम नहीं है, पूरे हिंदू समाज के हैं। राम लोटन निषाद जी का वो निजी बयान होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, चाहे परशुराम भगवान हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, सारे हमारे भगवान हैं। और जब हम सारे भगवानों को मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है? इसलिए भगवान राम भी हमारे आराध्य हैं और भगवान कृष्ण भी हमारे हैं और भगवान परशुराम भी हैं।